हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैंसी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक एक मीटर का फैब्रिक लिया है, साथ ही इसका डिजाइन लुक देने के लिए यह लेस लिया है। तो चलिए टॉप की कटिंग करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक को फोर फोल्ड में मोड़ लेंगे। इसके बाद हम टॉप का मेजरमेंट लेंगे। टॉप की लंबाई हम 16 इंच लेंगे। और इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब फ्रंट नेक का चौड़ाई 3 इंच लेंगे और गहराई 6 इंच लेंगे। नेक के डिजाइन हम भी देंगे। बैक नेक का चौड़ाई सेम ही रहेगा, गहराई 1 इंच लेंगे। इसकी गोलाई कर देंगे। शोल्डर हम 7 इंच लेंगे। आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच लेंगे। अब इसकी गोलाई कर लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट 8.5 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। कमर 8 इंच लेंगे और इसमें भी 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। इस लाइन को मिला लेंगे। इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद सबसे पहले बैक गले की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए हमने कपड़े को फोर फोल्ड में मोड़ लिया है। स्लीव की चौड़ाई 7 इंच लेंगे और लंबाई 12 इंच लेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव की बॉटम की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे। अब इन सभी मार्क को मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग हो गई है। सभी पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले टॉप के दोनों पार्ट के शोल्डर को जोड़ेंगे और फिर स्लीव को भी जोड़ लेंगे। शोल्डर और स्लीव में सिलाई लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ मैंने फ्रेल के लिए वाइट फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसकी चौड़ाई हमने 7 इंच लिया है। इसे टॉप फैब्रिक में कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इसका फ्रेल बनाना है। इस तरह से हम टॉप में इसे स्टिच करेंगे। इसके ऊपर से हम इस लेस को भी स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। पूरी सिलाई होने के बाद टॉप कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ मैंने स्लीव में भी फ्रिल के साथ साथ लेस की भी स्टिचिंग की है। अब इसे नीचे से कुछ इस तरह से मोड़कर इसमें सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा धागा ना निकले
और यह फैंसी टॉप बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।